जागरूपम आएगा ही नहीं गणना में, हमारे ज्ञानियों की बात नहीं, हमारी गणना में आएगा नहीं। इतनी लंबी अवधि इस मोह कर्म की है, इसीलिए यह पर पदार्थ, पर द्रव्य और दूसरे जीव उनके साथ ये बंधा होता है, उनको अपना मान रहा है और भटक रहा है। श्रावको और श्राविकाओं, आपको समझाना चाहूंगा साधना के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है ये मोह कर्म है, ये आगे जाने नहीं देता जीव को साधना के क्षेत्र में, वहीं बांध करके रखता है, मोह बना रहता है, चाहे अंतर में रहो चाहे बाहर में रहो बना रहता है, छूटता नहीं है, और जब तक छूटता नहीं है आत्मा आगे नहीं जा सकती। आपने एक लघु कथा सुनी होगी, कुछ आदमी सैर के लिए निकले थे और वे लोग सैर करते हुए किसी महानदी के तट पर चले गए, कल्पना करना गंगा के तट पर चले गए, वहां गंगा तट के ऊपर उन्होंने देखा कुछ नाव लगी हुई थी, सैर करने आए थे। उन नाविकों से बोले, भाई हम भी सैर कर लें नौका की, परले पार उस किनारे हम भी जाए आए देखाएं। आओ जी बैठो। एक नाविक ने उनको अपने नाव में बैठा लिया था और नौका को पानी में धकेल दिया, किनारे पर थी, खुद बैठ गया, नाव चलाने लगा। वे जो यात्री थे अपनी मस्ती के थे, कुछ बातें करने लगे, कोई गाने लगा, वो भी सुनने लगा, नाविक भी क्या गा रहे हैं क्या कर रहे हैं। उधर ध्यान हो गया, चप्पू चलाता रहा, सब सोचते रहे नाव आगे बढ़ रही है। जब काफी देर हो गई तो उन्होंने देखा नाव तो वहीं है। उन्होंने नाविक से कहा, अरे हम तो वहीं किनारे के पास ही हैं, क्या बात हुई। उसने भी देखा, ख्याल आया, नौका से उतर कर वो गया। मामला क्या था, एक रस्सी नाव के कुंडे से बंधी थी और वो बाहरे खूंटे से रस्सा बांधा गया था, इसलिए कि नाव पानी में न बह जाए। और जब उन लोगों को नाव चलानी होती, वो रस्सा खोल देते, ग्रंथि खोल देते, नाव चलाते, जहां जाना होता चले जाते। इस कहानी में, लोक कथा में क्या बताया, वो जो रस्सा है जो बंधा हुआ है, जब तक वो नहीं खुल जाता नाव कहीं जा नहीं सकती। आप भी याद रख लेना, जब तक ये मोह का रस्सा बंधा हुआ है आत्मा कहीं जा नहीं सकती। आत्मा की बात, मोक्ष की बात, ये तो बड़ी ऊंची और दूर की बात है, हम यहां वर्तमान की बात कर लें, इस मोह की बात कर लें। एक आदमी धर्म स्थान में आया, सत्संग में आया, आ तो गया, और सत्संग में
सुनने लगा या धर्म ध्यान करने लगा, कोई काम है उसके दिमाग में है और वह दिमाग उसमें उलझा हुआ है, मतलब घर से, दुकान से, फैक्ट्री से बंधा हुआ है, यहाँ धर्म ध्यान के लिए बैठा है परंतु चित्त वहाँ पर है, अब आगे प्रगति कैसे हो? नाव वाली बात हो गई, ये मोह छूटे तो बात बने। एक संत की बात ध्यान में आ रही है, वो वैदिक परंपरा के संत थे, उनका नाम राम कृष्ण परमहंस था, विवेकानंद के वो गुरु थे। बंधु तपस्या करते थे। एक बार सर्दी का मौका था, वे गंगा के किनारे कहीं बैठे हुए थे, सर्दी थी, लोग आते थे वंदन कर चले जाते। एक भगत ने देखा सर्दी है और साधु के पास सर्दी का उपाय कम है, कपड़ा कंबल चादर कम है। दूसरे दिन वो आया और एक नया अच्छा कंबल लेकर आया और आकर के स्वामी जी को प्रणाम किया। बोले महाराज ये कंबल है ये आप ले लो। भाई कंबल तो मेरे पास है, एक पुराना सा था उनके पास है। बोला ये पुराना सा है, कुछ फट सा भी रहा है, ये आप छोड़ो, आप ये ले लो, मैं मुझे तो जरूरत है नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है। बोला नहीं महाराज, मेरा आग्रह है आप ले लो। उसने बहुत आग्रह किया, स्वामी जी ने कंबल ले लिया, उसे खुशी मिली, प्रणाम करके वो चला गया। दूसरे दिन आया तो उसने देखा उसका जो नया कंबल था वो तो स्वामी जी ने रेत पर बिछा रखा था, नीचे बिछा रखा था, और वो पुराने वाला कंबल वही ओढ़ रखा था। उसने देखा तो ख्याल आया, बोले ये क्या काम किया, इतना अच्छा कंबल दिया था और ये बिछा लिया रेत में। एक बार तो सोचा चलो संत की मौज इनकी मर्जी, दूसरी बार मैं कहा शायद ये इसका मूल्य नहीं समझते, यूं ही जैसे और कंबल है, तो बहुत अच्छे वाला लाया था मैं। वो व्यक्ति बोला महाराज ये आपने नया कंबल बिछा लिया, ये तो ओढ़ने का था, पुराना बिछा ले। बोले ठीक है, एक बिछाने का एक ओढ़ने का, और जो बिछा लिया वो ठीक है, जो ओढ़ लिया ठीक है। फिर बोला महाराज ये तो ओढ़ने का था, अच्छा था, और आपने ये बिछा लिया, इसको आप ओढ़ लो ये बिछा लो। बोले भाई कंबल तेरा है कि मेरा है? कंबल जो है तेरा है या मैं? बोले जी आपका है। बोले भाई मेरा है ना, मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं इसे रेत में बिछाऊं, चाहे मैं इसे कीचड़ में बिछाऊं, चाहे मैं इसे ओढ़ू, जब मेरा है इसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? इसकी चिंता तो मैं करूंगा, अगर ये तेरा कंबल है तो भाई तू अपना ले जा कंबल, और क्या कहूँ मैं। अगर तूने ये दे दिया तो देने का मतलब है तू तो अपने दिमाग से, सिर से इसका बोझ हटा, तू क्यों काम खाए बोझ में है? दे दिया तो बात खत्म हो गई तेरी तरफ से। बंध वो पर मोह एक ऐसी चीज है जो अलग नहीं होता, देने के बाद में मोह बना रहता है, ध्यान वहीं जाता है। और जिसने इसको छोड़ दिया उसने मोह को छोड़ दिया, और मोह को छोड़ दिया व्यक्ति ने तो आप समझ लो उसका तो बंधन खुल गया, उसकी रस्सी खुल गई, उसकी नाव अब नहीं अटकेगी, उसकी तो नाव आगे जाएगी ही जाएगी, वो
वो संसार में नहीं रहेगी। और ये भी याद रख लो, मोह अगर बना हुआ है किसी भी प्रकार का, तब तक नाव आगे नहीं जा सकती। भगवती सूत्र में एक बड़ा विचित्र प्रश्न आया, बहुत अद्भुत प्रश्न आया। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान कोई एक श्रावक है और वह समय करता है, ठीक है गौतम, समय करता है, भगवान उस दिन समय करने के लिए उसने अपने वस्त्र उतारे और खूंटी पर टांग दी और समय करने के लिए बैठ गए। वो सामायिक में बैठा हुआ है, भगवान कोई देव आया, कोई मनुष्य आया, कोई चोर आया और वह उसके वस्त्र उतार करके ले गया। हो जाती है ऐसी ऐसी घटनाएं तो भाई, कोई आया, उन्होंने कहा कोई देव आया, देवता भी आ जाए परीक्षा लेने के लिए, कोई मनुष्य आया, कोई चोर आया और उसने जो वस्त्र उसके टंगे हुए थे उनको उतारा ले गया। भगवान वो देव वो मनुष्य वस्त्र ले गया, ये चोरी किसकी हुई? श्राव को आप भी निश्चिंत होकर बैठो, मैं भी बैठता हूँ, पूछ काओ किससे हुई, कहाँ रिपोर्ट लिखवाओ इसकी, वो चोरी किसकी हुई? वो श्रावक की हुई या जिसका कोई मालिक नहीं है उन वस्त्रों की हुई? हुई किसकी चोरी हुई? ये बहुत मुश्किल काम हो गया। अगर यूं कह दें कि भाई श्रावक तो समय करने के लिए बैठ गया, उसने वस्त्र उतार दिए, अब उसका तो कुछ रहा नहीं, फिर तो ये तो काम बड़ा आसान हो जाएगा चोरों के लिए। बोले इनके कपड़े तो इनके है नहीं, इन तो उतार दिए, तो कोई भी चुराओ, कोई भी लेके जाओ, कुछ भी करो। बड़ा विचित्र प्रश्न है यह। बंधुओं भगवान ने कहा चोरी श्रावक की हुई। क्यों भगवान? उसने उसने तो वस्त्र उतार दिए, हटा दिए, सामायिक में बैठ गया, अब क्या हुआ? भगवान ने कहा उसने सामायिक कितने योग से पढ़ते भाइयों बताना, करना करवाना अनुमोदन, वह अनुमोदन से मुक्त नहीं हो पाता, इसलिए वस्त्र के प्रति ममता बनी रहती है। और ये हट जाए तो उस समय में आप में और साधु में फर्क न रह जाए, अर्थात मोह का भाव विद्यमान रहता है। ये मोह का भाव छूट जाए तो फिर तो परम साधना हो जाए। ये मोह व्यक्ति को आगे जाने नहीं देता, ये वो रस्सी है जो नाव को आगे सरकने नहीं देती है, वहीं का वहीं व्यक्ति बना रहता है। अतः मोह कर्म बड़ा विचित्र है जो जीव को बांध करके रखता है संसार से पार, ये होने नहीं देता। तुलसीदास ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। सुनो क्या कहा इन विचार कौन है, भगवान महावीर तो मोह की बात बता ही रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, व्याधियां बीमारी अर्थ नहीं, झगड़ा अर्थ है, सारे झगड़ों की जड़ ये मोह है। सकल व्याधिन कर मूला, सारे झगड़ों की जड़ जो है ये मोह कर्म है। तिन से पुनि उपजही बहुसूला, सारे जितने शल्य हैं, कांटे हैं, झगड़े हैं, विवाद हैं, सारे के सारे मोह से पैदा होते हैं। अगर मोह न हो तो फिर कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है,
सारे झगड़ों की जड़ तुलसीदास ने किसको बताया? मोह को बताया। आप भी सोच करके देख लो, मोह अगर है तो फिर झगड़े ही झगड़े हैं। मोह अगर छूट गया, छोड़ दिया, मोह का त्याग हो गया तो बंधुओं फिर कोई झगड़ा नहीं। बात तो आगे की है और बहुत गहरी भी है समझने की। जिस समय किसी आत्मा को साधना करते करते इतनी ऊंचाई प्राप्त हो जाती है कि उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, अंतिम क्षण समझना केवल ज्ञान प्राप्त होने का अंतिम क्षण है। अब केवल ज्ञान होना अगले क्षण के अंदर, बंधुओं उस समय सबसे अंत में इस मोह कर्म का क्षय होता है। इसका क्षय होते ही बंधुओं फिर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय का क्षय होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। यही है सबसे बड़ी बाधा और रुकावट जो बना हुआ है, ये मोह बना है हमारी साधना का सबसे बड़ा बाधक यही। मैंने आपको तुलसीदास की बात कही, गुरु नानक देव कहते हैं, धन दारा संपत्ति सगल, धन दारा स्त्री संपत्ति सगल यानी शकल सारे के सारे, धन दारा संपत्ति सगल जिन्हें अपनों कर्मानी, जो इनको अपना कह रहा है और अपना मान रहा है। हाँ जी, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, ये परिवारजन ये सब मेरे हैं, जिन्हें आपनों कर्मानी, जो इनको अपना करके मान रहा है, इनमें कुछ संगी नहीं। गुरु नानक देव का वचन है, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी नहीं।